यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई तुम लोगों ने भी देखा होगा यूट्यूब पे मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया है कि एग्जिट एग्जाम तुम्हारे सेकेंड ईयर वालों का मतलब जो दिमाग में डाउट होता था कि बिना एग्जिट एग्जाम के काम चल जाएगा तो बिना एग्जिट एग्जाम के काम किसी का नहीं चलेगा ऐसा मैंने पहले भी बता दिया था वो अलग बात है कि लोगों के दिमाग में थोड़े बहुत कंफ्यूजन की स्थिति थी तो आज NBEMS की वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन भी आ गया डेट एकदम क्लियर कर दी कि तीन चार पांच तीन पेपर होंगे राइट तो तुम्हारे जितने भी पेपर हैं सबको उन्होंने मिला दिया है जितने भी पेपर हैं सभी पेपर को उन्होंने मिला दिया है और मिला के एग्जिट एग्जाम का पेपर बना दिया ठीक तीन पेपर होंगे सारी चीजें सारी डिटेल कौन किस में तो तुम्हारा अभी तक क्या था सिर्फ तीन सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम का पार्ट होते थे है ना? तीन सब्जेक्ट एग्जिट एग्जाम का पार्ट होते थे फार्माकोगनोसीटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट तुम्हारे एच और सोशल फार्मेसी इसका पार्ट नहीं थे लेकिन आज जो सिलेबस उन्होंने दिया है उन्होंने उसको भी इसी में इंक्लूड कर दिया है मतलब सोशल फार्मेसी और एच एपी भी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी एग्जिट एग्जाम का पार्ट होंगे कहने का मतलब सिर्फ इतना ये बताने के पीछे की वजह सिर्फ इतनी तुम्हारी फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग है अभी तुम्हारे एडमिशन भी नहीं हुए हैं राइट तो तुमको पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि जैसे ही सेकेंड ईयर का एग्जाम हो क्वालिफाई हो जाओ बिना किसी बैग के एग्जिट एग्जाम निकालो अब इससे फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि तुम्हारा एक लेवल मेंटेन हो जाएगा पढ़ाओ भाई अभी तक क्या कॉमेडी में लोग पढ़ते थे अब सीरियस होके पढ़ेंगे जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज निकलती हैं वो आराम से आप लोग बीट कर पाओगे राइट आज हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस यही सेम सिलेबस एग्जिट एग्जाम का है यही सेम सिलेबस फर्स्ट फस, फर्स्ट ईयर का है तो अभी एग्जिट एग्जाम के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दिमाग में लाने की सिर्फ और सिर्फ सोचो किसके फर्स्ट ईयर के बारे में क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई की शुरुआत होने वाली है ना यस yes, आज फार्मास्यूटिक्स के स्लेबस के सिलेबस बारे में बात करेंगे पूरे साल में भाई जैसे जो मुझे पता चल रहा है तुम्हारी क्लासेस लास्ट सेप्टेंबर से जो एकेडमिक कैलेंडर है यूपीबी टी का लास्ट सेप्टेंबर से या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से तुम्हारे यहां रेगुलर क्लासेस चलेंगी महाराष्ट्र बोर्ड में ऑलरेडी स्टार्टेड है ठीक तो हफ्ते में तीन क्लास होंगी तुम्हारी हफ्ते में तीन क्लास होंगी तुम्हारे कॉलेज में राइट right. और साल में पचहत्तर क्लास होंगी कितनी सेवेंटी फाइव क्लासेस होंगी पूरे साल में मिला के ध्यान रखना इन चीजों को क्लियर तुम्हारा कोड है बोले तो टी होता है थ्योरी का ठीक कोर्स ऑब्जेक्टिव वगैरह देखने जरूर सीधे हम लोग कोर्स पे आते हैं ठीक है यूनिट वन यानी चैप्टर वन की बात की जाए इसमें सेवन आवर्स का मतलब यह है कि सात लेक्चर में सात पीरियड होने चाहिए आपके यहां पे पीसीआई के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में पहले में क्या हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन मीन इंडिया के अंदर की बात की जा रही है फार्मेसी प्रोफेशन जो है उसकी हिस्ट्री क्या है कहां से कैसे कैसे डेवलप हुई है? है ना किस तरीके से हुई है एजुकेशन किस तरीके से है इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से है है ना फार्मेसी प्रैक्टिस कैसे होती है और दूसरे जो प्रोफेशन हैं फार्मेसी से जुड़े हुए उसके बारे में डिटेल में बातचीत इसमें होगी कह सकते हो कि स्कोप ऑफ फार्मेसी की या फार्मास्यूटिक्स का क्या स्कोप है या फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या स्कोप है इसके बारे में एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है आपका फार्मेसी एज ए कैरियर सीधा सीधा एक क्वेश्चन ये बनता है फर्मोकोपिया क्या होता है भाई फर्मोकोपिया याद रखो फार्मेसी वालों का धर्म ग्रंथ अगर कोई है फार्मेसी का कोई धर्म ग्रंथ है तो फर्मोकोपिया है है ना फार्मेसी वालों का तुमको फार्मेसी में जो कुछ चाहिए सब फर्मोकोपिया में मिलेगा फर्मोकोपिया कौन सा अब चूंकि हम लोग इंडिया के हैं तो यहां पे इंडियन फर्मोकोपिया चलता है हमारे यहां जो कुछ बनाई जाती है वो आईपी के अकॉर्डिंग इंडियन फर्मोकोपिया के अकॉर्डिंग तो इसमें इंडियन फार्मोकॉपिया क्या होती है हम लोग पढ़ेंगे कितने एडिशन हुए हैं पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था दूसरा एडिशन कब हुआ तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ये एडिशन कब कब पब्लिश हुए ठीक उसके बारे में जानकारी प्लस इन एडिशन के अंदर क्या था वो जानना है इन एडिशन का अमेंडमेंट कब भाई जाहिर सी बात है कि कुछ चेंजेस हुए होंगे तभी नया एडिशन आया होगा बराबर हर पांच साल पे एक अमेंडमेंट होता है एक नया लॉन्च होता है पब्लिश होता है नया एडिशन तो फर्मोकोपिया के बारे में तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फर्मोकोपिया इसमें सारी चीजें फिर दूसरे देश की फर्मोकोपिया के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा जैसे ब्रिटिश फर्मोकोपिया यूएसपी बोले तो यूनाइटेड स्टेट फर्मोकोपिया एन बोले तो हमारे देश की नेशनल फार्मुलरी हमारे देश की नेशनल फार्मुलरी अगर देखनी हो तो नेशनल फॉर्मुलरी शायद मेरे पास मिल जाए देखने को आपको है ना नेशनल फॉर्मुलरी ये देखो ये है तुम्हारे क्या है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया है ना बुकलेट थी जब होता है कभी कभी कुछ रेफर करने को मिल जाता है ठीक तो ये नेशनल फॉर्मुलरी ओके फिर एंड एक्स्ट्रा फर्मोकॉपिया और साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फर्मोकॉपिया मीन इंडियन फर्मोकोपिया के साइलेंट फीचर क्या है कई बार क्वेश्चन में ये चीजें भी पूछ ली जाती है सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है बच्चे क्या है पढ़ाई शुरू कर देते हैं सिलेबस नहीं समझ पाते जो बेस है वही वीक हो जाता है पढ़ना क्या है पहले ये तो जानो समझ गए फिर पहली यूनिट इस तरीके से खत्म होती फिर दूसरी यूनिट पैकेजिंग मटेरियल भाई जाहिर सी बात है हम फार्मास्यूटिक्स में डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे टैबलेट कैप्सूल सिरप ऑइंटमेंट इलेक्समेंट सस्पेंशन सॉल्यूशन है ना सेमी सॉलिड सॉलिड लिक्विड ये सब चीजें पढ़ने वाले तो जाहिर सी बात इनकी पैकेजिंग भी होगी अब पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी है ना पैकेजिंग मटेरियल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्लास प्लास्टिक रबर है ना तो उनके बारे में जानना जरूरी तो पैकेजिंग मटेरियल टाइप्स कितने हैं है ना और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है किस हिसाब से हम कहेंगे कि इस फॉर्म को हमको प्लास्टिक में पैक करना है इस फॉर्म को हमको ग्लास में पहली चीज सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा फिर ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल तो उसके फायदे क्या नुकसान क्या प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल उसके फायदे नुकसान फिर मेटल हो गया रबर हो गया एज ए पैकेजिंग मटेरियल और इनके फायदे और नुकसान के बारे में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट पैकेजिंग मटेरियल फिर फार्मास्यूटिकल एड्स फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं फॉर्म बनाने में जो मदद करते हैं इनकी अपनी कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती ये जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं स्पेशली किसी बीमारी को ठीक करने में मदद नहीं करते हैं. लेकिन बीमारी को ठीक करने वाली दवा बनाने में ये जरूर मदद करते हैं मीन्स जैसे कलरिंग एजेंट हो गए फ्लेवरिंग एजेंट हो गए प्रिजर्वेटिव हो गए ये ये सब क्या है ये मदद करने वाले हैं इनके बिना भी जब भी जब हम टैबलेट बनाए कैप्सूल सिरप सस्पेंशन इमल्सन वगैरह बनाते हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं फार्मासुटिकल एड्स ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी तो इसमें कलरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट स्वीटनिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे है ना देखेंगे टैबलेट कैप्सूल सिरप सस्पेंशन वगैरह में कौन कौन से कलरिंग एजेंट कौन कौन से फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं फिर प्रिजर्वेटिव पे एक क्वेश्चन है ना इस बार भी आया था यूपीबीटी में ठीक प्रिजर्वेटिव डेफिनेशन एंड टाइप विद एग्जांपल एंड यूजेज किसके प्रिजर्वेटिव के ओके यूनिट ऑपरेशन की बात की जाए फिर आता देखो यूनिट नंबर चार और यूनिट नंबर पांच और यूनिट नंबर सात ठीक टोटल सात यूनिट है यूनिट चार और पांच और सात ये जो तीन यूनिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है सबसे इंपॉर्टेंट मीन कह सकते हो पचहत्तर परसेंट फर्मासोटिक्स यूनिट चार पांच और सात में है पचहत्तर प्रतिशत जिसमें जो सबसे बड़ी यूनिट है यूनिट चार और पांच सबसे बड़ी यूनिट है सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम हो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बनते किसी से हैं तो यूनिट चार पांच से बनते हैं बीस नंबर तुम्हारे मल्टीपल चॉइस के होंगे एमसीक्यू के, वो भी बनते कहां से, चार से सबसे किसकी पढ़नी है पढ़नी है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग किसकी पहले साइज रिडक्शन करेंगे भाई टेबलेट बनानी है मान लिया तो बड़ा सा पार्टिकल पहले इसको तोड़ोगे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को क्या बोलते हैं साइज को कम करना रिडक्शन कैसे कम करेंगे इसके लिए हमारे पास दो मिल हैं हैमर मिल और बाल मिल इनका इस्तेमाल किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट आज तक कभी कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेडली आता ही आता है हैमर मिल और बाल मिल हमेशा आता है फिर अब यहां पे छोटे छोटे टुकड़े हो गए लेकिन इन टुकड़ों में कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा तो साइज सेपरेशन करेंगे हम साइज सेपरेशन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन साइज सेपरेशन पढ़ने के लिए इंडियन फर्मोकोपिया में पाउडर का डेफिनेशन क्या है और पाउडर का क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे है ना साइक्लोन सेपरेटर सीव सीव और ऑफ ये मेथड इस्तेमाल करते हैं साइज सेपरेशन में है ना साइज के हिसाब से सेपरेशन फिर अब सेपरेशन हो गया तो सब चीज को टैबलेट बनाने के लिए या सिरप बनाने के लिए कैप्सूल बनाने के लिए मिक्स करना पड़ेगा उसके लिए मिक्सर की जरूरत पड़ेगी मिक्सिंग के लिए डबल मतलब इस, करेंग करेंग, का, का इस्तेमाल करेंगे फिर उसके बाद जब मिक्सिंग हो गई तो फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी जो इंप्योरिटी आई होगी वो इंप्योरिटी फिल्टर आउट हो जाएगी थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इसके बारे में पढ़ेंगे है ना फिर जब सब हो गया तो प्रोडक्ट को ड्राई करना जरूरी है ड्राई करने के लिए फ्यूडाइज जिसको बोलते हैं एफ बी डी है ना एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग दूसरा एक होता है ड्रायर जिसको एफ बी डी बोलते हैं एक होता है फ्रीज ड्राइंग फ्रीज ड्राइंग मतलब लो टेम्परेचर करके हम किसी चीज को ड्राई करते हैं किसको करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है अगर ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो वो चीज खराब हो जाएगी उसको हम ड्राई कैसे करेंगे फिर हीट नहीं देंगे उसको हम method, और क्या यूज है पांचवी है टैबलेट टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे टैबलेट कोटिंग अनकोटिंग मॉडिफाइड टैबलेट उनके क्या डिफेक्ट होंगे और कैसे ठीक होंगे कैप्सूल दो तरीके के हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में देखेंगे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन सस्पेंशन ड्राई पाउडर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करेंगे टॉपिकल प्रिपरेशन जो ऊपर से लगाई जाती है ट्यूब ऑइंटमेंट वगैरह है ना मीन्स ऑइंटमेंट क्रीम पेस्ट जेल लिनीमेंट लोशन सपोजिट्री और पेसेसरीज ठीक नेजल प्रिपरेशन जो नाक में डाली जाती है ईयर प्रिपरेशन जो कान में डाली जाती है पाउडर एंड ग्रेन्यूल के बारे में जैसे इन्सफलेन हो गया डस्टिंग पाउडर हो गया हो गया, हो गया ये पाउडर के बारे में बात करेंगे जैसे इंजेक्टेबल्स वगैरह हो गए इंजेक्टेबल आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं यानी वैक्सीनेशन में इस्तेमाल होते हैं जैसे सीरा हो गया वैक्सीन हो गया टॉक्साइड और उनके मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है इसके बारे में बात करेंगे फिर छठी यूनिट जो है छठी यूनिट कंप्लीट इंडस्ट्री बेस पे जिस बच्चे को भी इंडस्ट्री जाने में डी फॉर्म के बाद वो चाहता है कि हम इंडस्ट्री में जाके जॉब करें तो इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको यूनिट नंबर सिक्स में पढ़ने को मिलेगी कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से काम होता है इसके बारे में बताऊंगा चूंकि मैंने खुद बाद दस साल इंडस्ट्री में काम किया है टेन ईयर्स हिंदुस्तान की जो सबसे टॉप पे कंपनियां हैं उनमें मैंने दस साल काम किया है उसके बाद में टीचिंग में आया हूं राइट

नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ जाएगा तो उसमें क्या एक पैच लगा दोगे पता लगा पांच साल तक उसको दवा खाने की जरूरत नहीं बिल्कुल वो उस तरह से बिहेव करेगा कि जैसे उसको डायबिटीज है ही नहीं राइट तो ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर में दवाई खिलाओ केमोथेरेपी कराओ रेडिएशन थेरेपी कराओ दुनिया भर की चीजें कराओ फिर भी पेशेंट बचता नहीं ये जब आ जाएगा एक कैप्सूल डाला है ना एक कैप्सूल डाला उसके अंदर रोबोट है वो रोबोट क्या करेगा पता लगा तुम तो बिंदा सो रहे हो शरीर के अंदर घुस के शरीर के अंदर घुस के अंकित गोड कंपनी नेम सन फार्मा डियर वडोदरा में इसका मदर मदर प्लांट है एलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड दमन दीव का नाम सुना हो मदर प्लांट है जो इसकी हंड्रेड परसेंट सप्लाई यूनाइटेड स्टेट में इंडिया में है ही नहीं राइट तो यहां पे हमने काम किया खैर तो जैसे किसी को कैंसर हो गया तो एक टेबलेट खाई रोबोट अंदर चला गया आप बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स में पता लगा तुम सो रहे हो रात भर में पूरी बॉडी में घूम घूम के जितनी भी सेल्स होती हैं उन उन सब सब को को किल कर देगा उन सब को मार देगा मार और जब सुबह उठते हो तो कैंसर फ्री है। ये है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम तो आने वाला युग इसी का है है ना तो नोवेल ड्रग आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं आया जिसमें नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ना पूछा गया हो प्रीवियस के पेपर्स भी एग्जाम के पहले प्रोवाइड भी कराऊंगा सॉल्व भी करवाऊंगा उसमें तुम देखोगे कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम तो सिस्टमली हर साल आया है राइट तो बहुत सारे क्वेश्चन जो ईयर बाय ईयर हमेशा आते जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होगा भाई तीन नंबर और पांच नंबर में तुम्हारे यहां क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन तीन नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पांच नंबर के रहते हैं तो तीन नंबर का आएगा तो कितना लिखना है पांच नंबर में आएगा तो कितना लिखना है इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे रेगुलर क्लासेस जैसे चालू हुई पहला काम

तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में ओके चलो भाई बाय पढ़ते रहो इसी तरीके से कोशिश करो मैंने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डाल दिए हैं ताकि देखते रहो अंदाजा लगे है ना बाकी जैसे ही तुम्हारी काउंसलिंग होती है हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे ठीक चलो भाई बबाई